एवरीवन, आज हम दो मिनट में जानते हैं कि संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। कोर्सेज कवर कर रहे हैं पीसीएसजे, एपीओ, एलएलबी, एलएलएम, पीसीएस, लीगल ऑफिसर की जॉब्स, और जिनको भी लॉ में इंटरेस्ट हो जरूर देखें। संविधानवाद आर द बेसिक प्रिंसिपल्स विच मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स। इट डज मीन दैट वेयर देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो देयर कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जहाँ पर संविधान नहीं भी है वहाँ पर संविधानवाद हो सकता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स हैं, ये वैल्यूज हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि केशवानंद भारती के केस में आया था, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ को, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को, ये सारी बातों को धीरे धीरे केस में इंक्लूड किया गया था बेसिक प्रिंसिपल्स में। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बताते हैं। इसका एग्जाम्पल है रिस्ट्रेंट ऑफ एब्सोल्यूट पावर्स, कि कोई भी पावर इस देश में एब्सोल्यूट नहीं होगी, हर पावर लिमिटेड होगी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स कन्फर्ड बाय इट। लैक ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, लैक ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, यानी कि कोई ऐसा ना हो जाए कि 400 सीटों से सरकार जीत के आए और ऐसा लॉ बना दे जो बिल्कुल संविधान के विपरीत है, और ये कहे कि देखो हमको तो 400 सीटें मिली हैं, हम तो कुछ भी बनाएं, हम तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ संविधान ही सुप्रीम है, और सारी आपकी लॉ रूल ऑफ लॉ के अंदर आनी चाहिए, रूल बाय लॉ। कानून से आप बल प्रयोग नहीं करेंगे, कानून से चलेंगे, ये बारे में ध्यान रखना है। नो आर्बिट्री यूज ऑफ पावर, पावर का मनमाना यूज़ नहीं करना, संविधान की सुप्रीमेसी को रखना है। और एक जूरिस्ट है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एक्सप्लेन किया है अमेरिका के हिसाब से, तो जानते हैं क्या है, लिखा है कि यह रिटन ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि संविधान, अंडर विच गवर्नमेंट पावर्स आर बोथ कन्फर्ड, यानी कि जहाँ पर सरकार को पावर दी जा रही है उसके पावर के बारे में बताया जा रहा है, एंड सरकमस्क्राइब्ड। सरकमस्क्राइब्ड का मतलब वो, जब हमने पढ़ा था सर्कल में, तो रेडियस और सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस होता है एरिया, बाउंड्री। तो यानी कि जहाँ पे पावर बताई गई हो और उसकी बाउंड्री भी बता दी गई हो, यानी कि पावर को लिमिटेड रखा गया है, एक्सेसिव नहीं रखा गया है, तो यही है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। स्टेप्स क्या है प्रमोट करने के, रूल ऑफ लॉ, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जहाँ पे हमको आर्टिकल 32 और 226 से मिलता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो हमको आर्टिकल 50 बताती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जिसके बारे में इंदिरा गांधी का केस आया था, ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल, जो आर्टिकल 14 से लेकर 35 में लिखे हैं, फेडरलिज्म, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, यानी कि पावर को केंद्रीकरण नहीं करना है, फैलाना है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।